नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। आपने फिल्मों और कहानियों में मोगली को देखा और सुना होगा। ऐसे ही एक रियल लाइफ के मोगली के बारे में कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी, जिसके बाद हमने आपको इस मोगली के बारे में बताया था। लेकिन अब रियल लाइफ मोगली का लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया है, जिसकी नई तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। दरअसल अब रियल लाइफ मोगली बंठन कर यानी सूटबूट पहनकर कंधे पर बैग टांगकर स्कूल जाता है। रियल लाइफ मोगली का रवांडा के स्पेशल नीड वाले स्कूल में एडमिशन किया गया है। इतना ही नहीं, ये मोगली बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई भी करता है। बता दें, ये रियल लाइफ मोगली युगांडा का है। इस बच्चे का जन्म 1999 में हुआ था। इसका नाम जंजीमन एली है। इसकी माँ और इसके घर वाले चाहे जितना भी कोशिश करते, ये भागकर जंगल में चला जाता था, क्योंकि इसको जंगल में जानवरों के बीच रहना पसंद था। आलम यह था कि इसकी माँ इसे रोकने के लिए रस्सियों से बांध कर रखती थी। एली अपनी माँ का एक लौता बच्चा था। ये दिखने में सामान्य इंसान से थोड़ा अलग था, क्योंकि एली का माइक्रोसिफेली नाम की बीमारी के साथ जन्म हुआ था। इस कंडीशन में बच्चे का सिर उसकी बॉडी के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से बच्चे उसे चिढ़ाते थे और उसे स्कूल में भी नहीं पढ़ने दिया गया था। बचपन से ही घर से भागकर एली जंगल में जानवरों के साथ रहना पसंद करता था और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाता था, और तो और जानवरों जैसी आवाज़ें भी निकालता था। रियल लाइफ मोगली यानी एली पर अफ्रीमैक्स ने पिछले कुछ महीने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसे यूट्यूब पर भी शेयर किया था। बस फिर क्या था, इस बच्चे की हालत पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ने इस बच्चे की ज़िंदगी ही बदल दी, और अब अपने बेटे की सुधरती हालत को देखकर एली की माँ भी काफ़ी खुश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।